आज हम आए कपासेड़ा में, जहाँ के निगम पार्षद है आरती यादव जी। तो आरती यादव जी से हम जो जैसे दीपावली आ रही, तो दीपावली पे ये अपने क्षेत्रवासियों को क्या मैसेज देना चाह रहे, तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार, कपासेड़ा के सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि एयर पॉल्यूशन कितना ज़्यादा फैला हुआ है दिल्ली में, तो उसको ध्यान में रखते हुए कम से कम पटाखे जलाएं और ग्रीन पटाखों का ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और मेरी तरफ से फिर से आप सभी क्षेत्रवासियों को दिवाली, गोवर्धन और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आज हमारे कपासेड़ा में अनिल यादव, जो पूर्व डिप्टी चेयरमैन नजफगढ़ जोन के। तो जैसे कि दीपावली आ रही, तो उनसे हम बात करते हैं, दीपावली पे क्या मैसेज वो लोगों को देने चाह रहे। जैसे कि आजकल कोर्ट ने भी फैसला लिया है कि 2 घंटे ही पटाखे छुटाने। पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद अभी जो कोर्ट ने फैसला किया है, और कल हम थाने में भी SHO के साथ मीटिंग थी, उसमें भी यही तय हुआ है कि भाई जो 2 घंटे कोर्ट ने ऑर्डर किया है, उसमें भी ये निश्चित स्थान के लिए कल मीटिंग की थी कि भाई कोई भी आप निश्चित स्थान गांव में तय करो जिसमें वो करें। मगर भाई इसी तरह से कोई ना, क्योंकि लोग बाग पहले ही जागरूक है कि ज़्यादा पटाखे ना चलाएं, क्योंकि ग्रीन पटाखे जो चलाने की बात है, छोटे बच्चे थोड़े जिद कर देते हैं, उनके लिए वो तो एक जगह तो आ नहीं पाएंगे, लेकिन प्रयास करेंगे कि उसमें भी वो है। लेकिन मैं अपने क्षेत्रवासियों से एक आग्रह करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह का माहौल और प्रदूषण दिल्ली में फैलता जा रहा है, इसके लिए हम और आप सभी मिलके काम करेंगे तब सुधार होगा। चाहे वो सफाई से रिलेटिव बात हो, और मेरा आप लोगों से हर बार मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि जो पोलोथीन है उस पर विशेष तौर पे आप रोक लगाने का हमारा जो प्रयास है उसमें सहयोग करें, क्योंकि मैं काफ़ी महिलाओं से बात करता हूँ, अगर उनके हाथ में कोई सामान है और पोलोथीन है, तब भी वो ये बोलती है कि जी एक पोलोथीन और चाहिए। मैं उनको बोलता हूँ कि इसको जितना कम करेंगे उतनी गंदगी कम होगी। दूसरा, एक दुकानदार भाइयों से मैं एक आग्रह है कि सभी अपनी दुकान के बाहर डस्टबिन ज़रूर रखें। और आप लोगों को फिर दोबारा एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।